ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, बस आज का लेक्चर इतना लेंथी नहीं है क्योंकि उसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ है, तो मैं चाह रहा था कि उसको हम नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लास्ट टाइम हमने हैंड ऑफ की बात की थी, ठीक है, कि हैंड ऑफ हम क्यों परफॉर्म करते हैं सो देट जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके, वो एक सेल से दूसरे सेल पे शिफ्ट हो तो उनका जो फ़ोन कॉल है, स्पेशली वो यूज़र जो कि ऑलरेडी वो कॉल पे कनेक्टेड हैं, किसी दूसरी पार्टी के साथ बात कर रहे हैं, खा वो किसी भी नेटवर्क के ऊपर हो, तो खा वो उसने कॉल मिलाई हो या उसको कॉल मिलाई गई हो, ये याद रखें। ठीक है, तो उसका कनेक्शन डिस्टर्ब ना हो इन सच ए वे कि वो एक सेल से दूसरे सेल पे शिफ्ट होता जा रहा है मुसलसल, Either he is a pedestrian or the user is traveling over a vehicle. लेकिन pedestrian के केस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप ड्यूरिंग द कॉल आप शिफ्ट कर लें एक सेल से दूसरे सेल पे। तो हम यूजुअली जो इसको देखते हैं, हम ऐसे यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जो कि बहुत क्विकली एक सेल से दूसरे सेल पे जा रहे हो। ये सिचुएशन खासकर माइक्रो लेवल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा आकर होती है। माइक्रो सेल्स कौन से होते हैं? जहाँ पे आपने छोटे छोटे सेल्स आपने बनाए हो ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, और एक होते हैं मैक्रो सेल्स, बहुत बड़े बड़े आपने सेल्स बनाए होते हैं। जो बड़ा सेल होता है जाहिर बात है अगर आप उसके अंदर पूरा अटक सिटी को कवर करते तो इट्स ए ह्यूज एरिया, तो जो इवन के जो गाड़ी पे भी होते हैं तो उनके जो कॉल होते हैं वो एक ही सेल के अंदर टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसकी प्रायोरिटाइजेशन होती है कि हैंड ऑफ हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। हैंड ऑफ जो सक्सेसफुल हैंड ऑफ होता है उसमें आपकी कॉल कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, आप एक टावर से दूसरे टावर पे शिफ्ट हो जाते हैं लेकिन आपकी जो कॉल है वो कभी टर्मिनेट नहीं होती। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं जी गार्ड चैनल कॉन्सेप्ट पहले ने इंट्रोड्यूस करा दिया। गार्ड चैनल कॉन्सेप्ट जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कुछ नंबर ऑफ चैनल जो है वो हम इसको रिजर्व रख लेते हैं और वो सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल होते हैं जब कोई दूसरे सेल से कोई यूजर आ रहा होता है, उसको हैंड ऑफ का प्रोसेस इनिशिएट कराते हैं और उसको एलोकेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपकी जो टोटल ट्रैफिक है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, यानी कि आप जितने अवेलेबल आपको जितने एलोकेटेड चैनल्स होते हैं उसको आप 100% हर वक्त यूटिलाइज नहीं करते, कुछ फ्रैक्शन ऑफ चैनल आपने छुपा के रखे होते हैं हैंड ऑफ के प्रोसेस के लिए। फिर इसके अंदर एक क्यूइंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, बल्कि ये तो हम बहुत हाँ ठीक है, क्यूइंग का कंसेप्ट होता है कि आप अगर आपको नहीं होता हैंड ऑफ नहीं होता, यू आप जो आपने हैंड ऑफ का प्रोसेस इनिशिएट कर लिया है लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न आपका जो टावर है आपको हैंड ऑफ नहीं करा के दे रहा, आपको शिफ्ट नहीं कराने दे रहा, आपको स्विच नहीं करने दे रहा दूसरे सेट के अंदर, जो नया टावर होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, पिछले वाले टावर के साथ आप कनेक्टेड हैं या ऑलरेडी, लेकिन जहाँ पे आप नए सेल में दाखिल हो रहे हैं अगर उस टावर के साथ कोई मसला है तो आपको क्यू में रख लेते हैं। ठीक है, और आप कब क्यू तक में आप कब तक रहते हैं, या तो आपकी कॉल मिला दी जाती है उस वक्त तक आप क्यू में रहते हैं, ठीक है, या आपका सिग्नल ड्रॉप हो जाता है, अगर आपका सिग्नल ड्रॉप हो जाता है तो आप क्यू से भी निकल जाते हैं और आपकी कॉल भी टर्मिनेट हो जाती है। अगर आप हैंड ऑफ आपका प्रोसेस हो जाता है तो आप क्यू से निकाल दिए जाते हैं और आपको चैनल एलोकेट कर दिया जाता है। इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है ना कॉल टर्मिनेशन को कम हो जाती है ना, ठीक है ना, बजाय ये कि बंदा आपसे कहे कि जी चैनल नहीं है, ठीक है, और एक सिस्टम आपसे कहे कि चैनल अवेलेबल नहीं है और दूसरे सिस्टम आपसे कहे कि जी आप थोड़ा सा वेट कर लें हम आपको चैनल ढूंढ के देते हैं, ठीक है, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ठीक है, तो अगर आप सो आपको वेट स्टेट में रखता है तो इट मीन्स कि सिस्टम इज सर्चिंग एन अवेलेबल चैनल फॉर यू, जैसे कोई चैनल अवेलेबल हो जाता है वो आपको उस पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो फोर्स टर्मिनेशन कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है, अच्छा, ट्रेड ऑफ बिटवीन डिक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्स टर्मिनेशन एंड टोटल ट्रैफिक। डेफिनेटली बात है कि अगर आप किसी सिस्टम के जो उसको किसी टावर को जो चैनल टोटल अवेलेबल होते हैं और आप उसे कहते हैं कि कुछ जो चैनल हैं वो आप अपने यूजर को नहीं दे सकते बल्कि वो आप हैंड ऑफ के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो टोटल आपकी जो ट्रैफिक है वो कंप्रोमाइज हो जाता है।
ठीक है, तो इसमें ट्रेड ऑफ है कि आप या तो कॉल मेंटेन रहेंगे, दूसरे आने वाले जो नए यूज़र होंगे तो आपके सेल में, या आप सारे के सारे चैनल को अपने यूज़र के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। द डिले टाइम एंड क्यू साइज डिटरमिन, ये वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल, रीजन टू रीजन, ये वेरी करता है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए सेम हो। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो क्यूइंग है इट डज नॉट गारंटी जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल टर्मिनेशन। ठीक है, अगर आप ही क्यू यानी कि आपका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो आप पिछले टावर के साथ भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। आपको नए, अभी तक आपको नए टावर से सिग्नल मिला, चैनल नहीं मिला, तो डेफिनेट सी बात है भी कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो गारंटी नहीं है लेकिन इसको मिनिमाइज करते हैं। अच्छा जी, प्रैक्टिकल हैंड ऑफ कंसल्टेशन क्या क्या है? उन्हें कि जी इसके अंदर बड़े ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आपकी व्हीकल्स होते हैं, जब आप हाई स्पीड व्हीकल के ऊपर होते हैं तो जाहिर बात है आपके लिए तो मैटर ऑफ मिनट्स होता है कि एक सेल से दूसरे सेल के ऊपर आप चले जाते हैं, इवन कि विद इन ए मिनट भी सम टाइम आप चले जाते हैं। अगर आप इससे, इसका एक और भी नुकसान है कि अगर आपके छोटे छोटे सेल्स हैं और आप मुसलसल एक सेल से दूसरे सेल पे जा रहे होते हैं और आपने कहा जी मैं एडाप्टिव चैनल असाइनमेंट करना चाहता हूँ, एडाप्टिव ये होता है कि एमएससी के पास सारा अख्तियार होता है और वो हर एक बेस स्टेशन के लोड के मुताबिक और उसके पास नए यूज़र आने वाले यूज़र जो दूसरे सेल से आते हैं, ठीक है, फॉरन नोड के तौर पर जो आते हैं उसके पैटर्न को देखते हुए उसको हैंड ऑफ के लिए चैनल असाइनमेंट करता होता है। तो जितने नंबर ऑफ सेल छोटे होंगे तो आपके हैंड ऑफ रिक्वेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपके एमएससी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि जी आपको कभी एज ए पेडेस्ट्रियन कभी भी हैंड ऑफ की ज़रूरत शायद ना पड़े आपको। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर क्या है? शेड्यूल टू हैंड स्कीम्स टू हैंडल हाई स्पीड एंड लो स्पीड यूजर साइमल्टेनियसली, ये तो आपके इसके अंदर क्या कहते हैं उसको, एक चैलेंज होता है कि आपके पास दो किस्म के यूज़र होते हैं, दोनों को आपने अलग-अलग अलग-अलग ट्रीट करना होता है, डील करना होता है। जो हाई स्पीड यूज़र होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि वो किसी भी टाइम वो अपना सेल चेंज कर सकते हैं। जो लो स्पीड यूज़र होते हैं, पेडेस्ट्रियंस होते हैं, उनको वो कुछ कुछ देर के बाद चेक करते हैं कि यूज़र कहीं अपने सेल के एज पे तो नहीं आया हुआ। ठीक है, जो आखिरी पॉइंट ये कहीं और से आया हुआ है, इसका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, ये शायद किसी और स्लाइड से आया हुआ है। अच्छा जी, अच्छा नहीं, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम ढूंढते हैं कि हमें बड़ा सेल साइज हमें छोटा रखना है या हमें सेल साइज बड़ा रखना है। बड़े सेल साइज के अंदर ये इशू होता है कि वहाँ पे कैपेसिटी कम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर आपका सेल साइज छोटा होता है, सेल साइज छोटा होता है, उसके अंदर आपकी नंबर ऑफ यूजर एकोमोडेशन ज्यादा हो जाती है ना, कि आप एक सेल के अंदर 50 चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही 50 चैनल के आगे कहीं और सेल के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे तो आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं बेसिकली ना। ठीक है, और डिफिकल्ट टू ऑब्टेन न्यू सेल साइज, एक जी, अच्छा अच्छा ये डेफिनेट एडिशनल कैपेसिटीज आर प्रोवाइड, एडिशनल कैपेसिटीज प्रोवाइडेड थ्रू एडिशन ऑफ न्यू सेल साइट्स, इसका जवाब हमें आगे मिल जाएगा अभी। आपके पास जब कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपके पास नंबर ऑफ यूज़र भी ज़्यादा होते हैं और आपके पास हैंड ऑफ रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर आप वहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लें। ठीक है, आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ हैंड ऑफ ज़्यादा ना हो, फिर हमें उसके लिए सेल साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जब सेल का साइज़ बढ़ेगा बहुत ज़्यादा होगा, 5-6 किलोमीटर के अंदर एक सेल होगा तो उसके अंदर हैंड ऑफ के रिक्वेस्ट बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट जो लोग 5 किलोमीटर के अहाते में ट्रेवल करते होते हैं वो तो कभी हैंड ऑफ रिक्वेस्ट करेंगे नहीं, खा वो जो है क्या कहते हैं उसको, गाड़ी पे हो या पेडेस्ट्रियन हो। लेकिन अगर आपने 1-1 किलोमीटर का 1-1 सेल बनाया है तो जो बंदा 5 किलोमीटर के अंदर भी वो ट्रेवल करेगा तो वो तो 5 दफ़ा तो उसको हैंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है ना, उस सूरत में हमें फिर नए सेल साइट्स भी नहीं मिलते, हमें कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, हमें हैंड ऑफ के रिक्वेस्ट भी मिनिमाइज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
Install additional channels and base station at the same location of existing cell. एक umbrella cell का एक concept है, ठीक है? Umbrella cell में आपको बताऊँ कि वो कुछ इस तरह होता है कि let's suppose आपके पास पांच different cells हैं, 1, 2, 3, 4, 5, आप उसको circle में रख लेते हैं, ठीक है? पांच different cells हैं, आप इस तरह करते हैं कि आप एक बहुत बड़ा tower लगाते हैं, एक बहुत powerful tower लगा लेते हैं, in such a way केवल तमाम के तमाम सेल्स को कवर करें, यानी कि एक तो सेल के अंदर आपने बीटीएस लगे हैं ना, एक आप एक सुपर बीटीएस लगा लेते हैं जो कि तमाम के तमाम पांच के पांच सेल को कवर करें, और उसके अंदर स्पेशली वो यूजर जो हैंड ऑफ रिक्वेस्ट मांगते रहते हैं, ठीक है, तो उनको हैंडल करता होता है। अब देखें ना, एक यूजर सेल नंबर 1 से निकला, सेल नंबर 2 पे गया, फिर सेल नंबर 3 से निकला, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5, इसको कम अज कम 4 हैंड ऑफ रिक्वेस्ट इनिशिएट करने पड़ रहे थे। इसके बरक्स अगर आप इसके दरमियान में एक सुपर, ये सुपर में वैसे आपकी आसानी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना, ऐसा ऐसे कुछ सुपर लफ्ज है नहीं, अम्ब्रेला सेल इसका नाम है। तो अगर आप इसके दरमियान एक सुपर टावर लगा लेते हैं, हाई पावर टावर लगा लेते हैं जो इन पांच के पांच सेल्स को कवर करता हो, ठीक है, और वो स्पेशली उन यूजर के ऊपर उसका फोकस होता है जो बार बार हैंड ऑफ रिक्वेस्ट मांगते हैं, फिर वो क्या करेगा, वो इस यूजर को यह टावर खुद हैंडल कर लेगा, ठीक है। वो इस पांच सेल के रीजन में जहां पे भी ट्रेवल करेगा उसको चैनल ये बड़ा वाला टावर असाइन कर देगा, ठीक है। तो आप देखें ना, उसको बार बार जो है हैंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो बड़े इस सुपर टावर के साथ कनेक्टेड है, उसकी कवरेज इतनी है, पांच सेल्स के बराबर इसकी कवरेज है, वो पांच सेल के अहाते में जहाँ भी घूमेगा वो बगैर किसी हैंड ऑफ रिक्वेस्ट इनिशिएट किए हुए उस बड़े टावर के साथ कनेक्टेड रहेगा और अपनी कम्युनिकेशन परफॉर्म करेगा। इसे कहते हैं अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला मीन छतरी जो उस पूरे रीजन को कवर करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट की समझ आ गई होगी, डायग्राम से आगे दोबारा आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये हाई स्पीड यूजर को जो है करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है, और ये डायग्राम आप देख लें, ये देखें ये डिफरेंट सेल्स हैं यहाँ पे हमारे पास, हर सेल के अंदर अपना अपना टावर है और हर एक टावर कि अपनी अपनी रेंज होती है, उस सेल के अंदर अंदर वो अपने सिग्नल ट्रांसमिट करता होता है। तो अगर एक यूजर यहाँ से निकलेगा, जो मेरा माउस में जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, वो यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे, आप देखिए तो हैंड ऑफ बार बार मांग रहा होगा ना, तो MSC के ऊपर तो लोड पड़ेगा। तो वो कहते जी आप एक अम्ब्रेला टावर लगा दें, ठीक है। अब अम्ब्रेला टावर इस ये देखिए इसका इतना बड़ा रीजन है इसका, ठीक है, ये सारा इसका यूँ समझे कि सेल है, बहुत बड़ा सेल है ये, तो इसके अंदर जितने भी जो भी यूजर होगा वो बार बार हैंड ऑफ मांगने के बजाय बस इस टावर के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक ही टावर के जरिए वो बातचीत कर सकेगा, ठीक है। तो इन टावर्स का काम ये होता है कि जो हाई स्पीड यूजर्स होते हैं उन यूजर की स्पीड को पहले मॉनिटर किया जाता है, जिस यूजर की स्पीड हाई होती है बस वो इस टावर के हवाले कर दिया जाता है कि ये यूजर है, इसकी स्पीड हाई है, आप इसको हैंडल कर लें, ठीक है। ये फिर उस पूरे रीजन के अंदर उसको चैनल असाइन करता है, तो वो हैंड ऑफ रिक्वेस्ट बार बार इनिशिएट करने का जो काम है वो कम हो जाता है और आपके MSC के ऊपर लोड कम हो जाता है। अच्छा जी, ये अब एक इशू है, इसे कहते हैं सेल ड्रैगिंग। सेल ड्रैगिंग उस प्रॉब्लम को कहते हैं, अगर आपको याद हो कुछ बच्चों ने पूछा भी था, मैंने भी आपको बताया था कि हमारे पास हम जो सेल डिजाइन करते हैं तो वो सेल उसके अंदर जो टावर लगाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि टावर एग्जैक्टली उतने ही स्ट्रेंथ के साथ सिग्नल भेजेगा जितना आपके सेल का रीजन है, ठीक है, आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, आपने हेक्सागोनल शेप में सेल तो डिज़ाइन कर दिया, लेकिन आप ये कैसे इंश्योर करेंगे जी कि आपका टावर हेक्सागोन शेप में सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, यह भी नहीं हो सकता। तो हमने पहले भी कहा था कि हमने हेक्सागोन शेप सिर्फ उस रीजन की जब प्लानिंग करते हैं उसके लिए हमने यूज़ किया था, बाकी हमें पता है कि हमारा जो टावर होता है जो सिग्नल सेंड का तो इररेगुलर शेप में होता है, वो ना सर्कुलर में होता है ना हेक्सागोनल में होता है, बल्कि वो इररेगुलर शेप में होता है। तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि एक टावर का जो सिग्नल होता है वो आपके नेबरिंग सेल के अंदर वो जा सकता हो, ठीक है। और इसीलिए तो हमने जब से फ्रिक्वेंसी रीयूजबिलिटी हम स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि एक खास फार्मूला के तहत हम अगला जो सेल होगा जहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दोबारा इस्तेमाल होगी, खास फार्मूला कहते हैं हम ट्रेवल करते हैं, फिर काउंटर क्लॉक हम 60 डिग्री के ऊपर हम
काउंटर क्लॉक लेते हैं, फिर हम ट्रेवल करते हैं कहीं दूर जाके हम वो फ्रिक्वेंसी रीयूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा टावर जो है, ये जो हमारा सेल है, वो तो किसी भी सेल के उस पार भी अपने सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। ये ज़रूरी तो नहीं कि आप उसको रोक सकें, ठीक है। ये जो अभी तो खैर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, अक्सर जिनको ये तालिबान शालिबान के केसेस में, या जिनको अगर थ्रेट कॉल आते थे तो वो अफगानिस्तान के नंबर से आते थे ना, अफगानिस्तान के नंबर से कैसे आते थे कि जो बाउंड्रीज के ऊपर अफगानिस्तान के उस पर जो टावर लगे होते थे अफगानिस्तान के किसी कंपनी के, उसके सिग्नल पाकिस्तान के रीजन के अंदर भी आते थे। तो बस वो मोबाइल आप यहाँ पे ऑन करते और यहाँ से आप उसको जो है ऑपरेट करते होते, आप पाकिस्तान में थे, सिस्टम आप अफगानिस्तान का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह अफगानिस्तान के लोगों के पास भी पाकिस्तानी सिम और मोबाइल हुआ करते थे, लेकिन वो ऑपरेट अफगानिस्तान से कर रहे थे, क्योंकि यहाँ के जो टावर थे वो उनके सिग्नल वहाँ पे तक जा रहे थे। ये हो आप इसको रोक नहीं सकते। आजकल भी ये इशू है, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने जैमर वगैरह लगा के कंट्रोल कर दिया हुआ है, ठीक है। तो सेल ड्रैगिंग का यही होता है, प्रॉब्लम इन माइक्रो सेल ड्यू टू हाई सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ पेडेस्ट्रियन यूजर अकर इन अर्बन एरियाज वेयर देयर इज ए लाइन ऑफ साइट पाथ एवरी सिग्नल स्ट्रेंथ डज नॉट डिक्लेयर रैपिडली। अच्छा, the RSI may above the hand of threshold and thus hand off is not met. This creates potential interference since a user has traveled deep within a neighboring cell. Hand off parameters threshold must be adjusted carefully. अच्छा, अब ये तो है कि आप खासकर ये प्रॉब्लम अक्सर होता है माइक्रो सेल के अंदर, जहाँ पे आपका सेल का साइज छोटा हो और आपका जो टावर होता है उसकी से वो ट्रांसमिशन पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है ना, आपने सेल छोटा बनाया है लेकिन आपका जो टावर है उसकी ट्रांसमिशन पावर ज़्यादा है, तो अपने सेल के बाउंड्री से वो आगे जाके अपना सिग्नल सेंड करेगा, ठीक है। अच्छा जी, पाथ लॉस, ठीक है, पाथ लॉस। अच्छा, अगर इन अर्बन एरियाज वेयर देयर इज ए पाथ लॉस, पाथ लॉस कही होते हैं कि एक सिग्नल ट्रांसमिट करता करता उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और आगे जा रहा होता है। तो अगर आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ यानी कि हाई पावर के साथ आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा हो, तो वो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो टकराते टकराते भी उसकी जो है वो पावर इतनी तेज़ होती है, ज़्यादा होती है कि वो सेल की जो बाउंड्री वो क्रॉस कर जाए, ठीक है। अच्छा जी, और इसी तरह एवरेज सिग्नल स्ट्रेंथ डज नॉट डिके रैपिडली, डेफिनेटली बात है, आपका सिग्नल स्ट्रेंथ इतना हाई होता है कि वो आप सेल के बाउंड्री तक पहुंचने के बावजूद भी वो जो है वो वीक नहीं होता, वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। अच्छा जी, और ये हम हैंड ऑफ कब परफॉर्म करते हैं, हैंड ऑफ के लिए हमने एक रूल बनाया है। हैंड ऑफ के लिए रूल ये है कि आप अपने सेल के रीजन से बाहर निकलते हो, आप बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं, आप पहुँच जाते हो, आपका टावर के साथ फासला ज़्यादा हो जाता है, आपका RSSI आपको बता देता है कि जी आपका सिग्नल वीक होने जा रहा है, आप एक थ्रेशोल्ड सेट किया होता है हैंड ऑफ के लिए, जैसे ही आपका सिग्नल उस थ्रेशोल्ड को छूने लगता है आप हैंड ऑफ का प्रोसेस इनिशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इशू ये है कि आप बाउंड्री तक पहुँच भी गए हैं लेकिन इसके बावजूद आपका और टावर का जो सिग्नल है वो हैंड ऑफ के थ्रेशोल्ड तक से हाई है, अभी आपको अच्छा सिग्नल मिल रहा है, तो आप सिग्नल को आप सेल को क्रॉस करने भी जा रहे हैं और आपका मोबाइल जो है वो हैंड ऑफ का प्रोसेस भी नहीं इनिशिएट करना चाहता क्योंकि उसको सिग्नल अच्छा मिल रहा है। तो करते करते आप अगले सेल के दरमियान में पहुंच जाते हैं और आप सिग्नल किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले टावर का आप सिग्नल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस ये है सेल ड्रैगिंग कि आप अगले सेल के दरमियान में पहुंच जाते हैं और आप सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले टावर का। ये सारा प्रॉब्लम यही है इसके अंदर जो बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हैंड ऑफ पैरामीटर और थ्रेशोल्ड वगैरह को बहुत केयरफुली इसके अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। इसका एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको कवर कर लिया जाता है यूजुअली। अच्छा जी, वन जी टाइम टू टेक हैंड ऑफ एंड सिग्नल ड्रॉप बिलो 10 सेकेंड, ठीक है। और इसके अंदर वो कहते हैं 10 सेकेंड का टाइम होता था फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको एक टावर से दूसरे टावर पे शिफ्ट करने का, और उसके अंदर जो सिग्नल था वो 6 dB to 12 dB का सिग्नल होता था। सेकेंड जनरेशन आपका मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ होता है, ठीक है। उसके अंदर विद इन 1 or 2 seconds आप एक टावर से दूसरे टावर पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि आपको पता भी नहीं चलता और आपकी जो है कनेक्शन है वो दूसरे टावर पे शिफ्ट हो जाता है। उसके अंदर जो सिग्नल की जो वैल्यू रखी है वो 0 dB to 6 dB के अंदर के तक होती है, ये इसका थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है।
इसके अंदर जो है जो एमएससी होता है उसके अंदर उसको टाइम मिल जाता है आपको शिफ्ट कराने के लिए एक टावर से दूसरे टावर पे। जो IS-95 है ये भी CDMA जो 2.5 था एक हमारे पास आया था, उसके अंदर उसमें अंदर क्या होता है कि अच्छा जी IS-95 CDMA जो होता है कोड डिविजिबल मल्टीपल एक्सेस, इसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन हर एक यूजर को एक डिफरेंट कोड असाइन हुआ होता है, ये भी याद रखें ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो IS-95 या CDMA के जो सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर भी आप के सेल्स होते हैं, उसमें भी यूजर जो है वो एक सेल से दूसरे पे वो ट्रेवल करते हैं, तो लेकिन उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दूसरी नहीं मिलती क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सारे के सारे सेल्स के ऊपर एक तरह की चल रही होती है, सिर्फ आपका जो कोड होता है वो डिफरेंट होता है ठीक है ना। तो इसके अंदर आप अगर आप एक सेल से दूसरे सेल पे चले भी जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती, या इन अदर वर्ड्स इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि जी ये मैंने कंट्राडिक्शन कैसे क्यों नहीं आती, क्रॉस टॉक क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि हम हर यूजर को एक डिफरेंट कोड असाइन करते हैं, वो जब भी डेटा रिसीव करता है वो उस कोड के साथ उसका यानी कि डिकोड करने के प्रोसेस होता है, वो अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है ठीक है। चूंकि CDMA को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं स्लाइड को ही निकाल देता हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो ठीक है, मैं निकाल देता हूँ उसको। और ये देखें आप CDMA देखें ना, आप सेलर कंसेप्ट ये है ना कि आपका हर एक सेल के अंदर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है, कलर स्कीम भी डिफरेंट इस्तेमाल हो रहा है। CDMA में देख लें कोई सब के साथ सब में सेम कलर इस्तेमाल हो रहा है और फ्रीक्वेंसी सब के अंदर सेम हो रही है, इस्तेमाल हो रही है ठीक है ना। बल्कि मैं इसको भी निकाल लेता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। ओके जी ट्रंकिंग, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। व्हाट इज ट्रंकिंग? अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर टू शेयर अ स्मॉल नंबर ऑफ चैनल्स ठीक है। ये मैं इसकी जो पूरी कहानी है इसकी शॉर्ट स्टोरी ये है कि जो हर एक चैनल को हर एक सेल या बेस स्टेशन को जो MSC नंबर ऑफ चैनल असाइन करता है ना इसको कहते हैं ट्रंकेशन ठीक है, ट्रंकिंग इसको कहते हैं। वो यानी कि अवेलेबल नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं आपके पास 1,000 यूजर हैं, हमें पता है कि 1,000 यूजर हमेशा एट ए टाइम कनेक्टेड नहीं रहते, लिहाजा इनको 1,000 चैनल की जरूरत नहीं होती, हो सकता है कि ये 300 चैनल के ऊपर भी ये काम इस सेल के अंदर काम चल जाए, हो सकता है कि 700 के ऊपर चल जाए, ये डिपेंड करता है जो यूजर्स होते हैं उनका फिर बिहेवियर नोट किया जाता है, वो किस टाइम के ऊपर ज्यादा बातचीत करते हैं। मिसाल के तौर पर सिटी एरिया के अंदर जो बिजनेस आवर्स होते हैं 9 to 5, उस दौरान बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही होती है ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसे सेल्स के अंदर ज़्यादा चैनल रख दिए जाते हैं। शाम हो जाती है नंबर ऑफ कॉल्स जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, लिहाजा वहाँ से चैनल लेके किसी और बेस स्टेशन के ऊपर रख दिए जाते हैं ठीक है, ये इसका मतलब होता है ठीक है। तो ये यूजर का जो स्टेटिस्टिकल बिहेवियर होता है उसका देखा जाता है, फिर वो डिसाइड किया जाता है कि जी किस बेस स्टेशन को कितने चैनल्स दिए जा सकते हैं। अच्छा जी लेकिन इसके अंदर ये बात है आखिरी जो पॉइंट है, इट इज़ द ट्रेड ऑफ बिटवीन द नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल एंड लाइकलीहुड ऑफ कॉल ब्लॉकिंग ड्यूरिंग पीक कॉलिंग आवर, इसमें ट्रेड ऑफ हो सकता है ठीक है। ट्रेड ऑफ ये है कि आप कंप्रोमाइज करेंगे, एक तो ये उतने कि आपके पास 1,000 यूजर है और 1,000 के 1,000 चैनल आपको दे दिए जाएंगे तो उस दौरान तो कोई कॉल ब्लॉकिंग नहीं होगी ठीक है, लेकिन अगर आप रेंडमली करते हैं जी 1,000 यूजर हैं आपको उसके लिए आपको 800 चैनल दे दिए जाएं तो फिर अगर कोई पीक आवर आ जाता है और 1,000 के 1,000 यूजर कॉल मिलाना शुरू कर लें फिर हम कॉल ब्लॉकिंग मोड में चले जाते हैं। ये जैसे कि कोई डिजास्टर आ जाए, कोई खुदा ना खासा जलजिला हो जाए तो फौरन लोग मोबाइल हाथ में लेकर तो कॉल मिलाना शुरू कर लेते हैं, हम उस वक्त फिर हमारी कॉल नहीं मिलती, वो कॉल ब्लॉकिंग होती है क्योंकि उस वक्त आपका सिस्टम बिल्कुल फुल कैपेसिटी के साथ चल रहा होता है। और उन्होंने जो ट्रंकिंग थ्योरी इस्तेमाल की होती है पहले से डिसाइड होता है कि जी इस रीजन के अंदर ये यूनिवर्सिटी है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे यूज़र 5,000 हैं, हम इनको 3,000 चैनल दे देते हैं क्योंकि हर टाइम तो सारे यूज़र कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन अचानक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि 5 के 5,000 लोग मोबाइल से डायल करना शुरू कर लेते हैं, फिर उस सूरत में जाहिर बात है आपका सिस्टम जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
इसको भी मैं निकाल लेता हूँ जी। इसके अलावा ग्रेड ऑफ सर्विस एक बेंचमार्क है, ठीक है जी। ग्रेड ऑफ सर्विस बेसिकली इसको कहते हैं कि जी आपका जो सिस्टम है वो बिजीएस्ट आवर्स में किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, बस दिस इज ग्रेड ऑफ सर्विस, ठीक है ना। और ये सारी कहानी आप देख लें, ठीक है, कि इसको मंथली भी लिया जाता है, वीकली भी लिया जाता है, सालाना तौर पे भी इसका ग्रेड ऑफ सर्विस लिया जाता है कि बिजीएस्ट आवर में सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसे रहा, आया उसने सारे यूजर को एकोमोडेट किया या नहीं किया, फिर बिजीएस्ट आवर में जो कॉल ब्लॉकिंग कितनी हुई है। कॉल ब्लॉकिंग का मतलब तो ये है ना कि उसने उस वक्त सिस्टम ने यूजर को असिस्ट नहीं किया, सिस्टम ने यूजर को सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, तो ये ग्रेड ऑफ सर्विस एक्सपीरियंस की क्वांटिफिकेशन होती है, फिर चेक किया जाता है, उसके बेस पे बताया जाता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ओके जी, कॉल ब्लॉक क्लियर, ये भी कोई खास चीज नहीं है, ये चलो देख लेते हैं। कॉल ब्लॉक क्लियर का मतलब होता है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जी आपकी जब कॉल मिला रहे होते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो आपकी कॉल मिल जाती है, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन ड्यू टू सम रीजन नहीं मिलती, चैनल अवेलेबल नहीं है, क्या कहते हैं उसको, वॉइस चैनल अवेलेबल नहीं है या कंट्रोल चैनल अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसमें वेट सेट में रखा जाता है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर आपकी कॉल ब्लॉक कर दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि टू ट्राई अगेन लेटर। ये कहते हैं ना कि आपको इस वक्त अब बिजी है या नहीं मिलाई जा सकती या वगैरह, कोई आपको मैसेज आ जाता है, तो ये इसको कहते हैं कॉल ब्लॉक स्टेटस। और उसको फिर ये साथ साथ सिस्टम क्लियर करता रहता है, यूजर को एंगेज नहीं रहता कि जी कॉल नहीं मिल रही, तो बस नहीं मिल रही, आपकी कॉल टर्मिनेट कर दी जाती है क्योंकि चैनल अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। पॉइंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप यहाँ तक नहीं आए कि आपको मैं पॉइंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर लूँ। अच्छा, ब्लॉक कॉल डिलेड, ठीक है, ब्लॉक कॉल डिलेट का मतलब ये होता है कि वो उसको होल्ड पे रख लेते हैं, ठीक है जी, आप वेट कर लें, हम आपके लिए चैनल ढूंढते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम आपकी कॉल टर्मिनेट कर लेते हैं। तो ग्रेड ऑफ सर्विस किस तरह पे डिफाइन किया जाता है, द ग्रेड ऑफ सर्विस डिफाइन एज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉल इज ब्लॉक्ड आफ्टर वेटिंग स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम इन द क्यू। यानी कि ग्रेड ऑफ सर्विस हमें ये बताता है कि जी आपने एक यूजर को पहले क्यू में रखा क्योंकि आपके पास चैनल नहीं थे, और आपके सिस्टम में इतनी इतना ना अहल था कि क्यू में रखने के बावजूद आपने उसी कॉल को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप उसको असिस्ट कर नहीं पा रहे थे, क्यू में भी रखा और उसके बावजूद आपने उसको जो है असिस्ट नहीं किया, उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, उसको चैनल असाइनमेंट नहीं किया, उसे कॉल नहीं मिला सके, तो ग्रेड ऑफ सर्विस फिर इस तरह कैलकुलेट की जाती है, ठीक है जी। तो इसके बाद सिक्योरिटी है नेटवर्क की, ठीक है, वो आगे जाके हम फिर देख लेंगे एक इसकी सिक्योरिटी किस तरह काम करती है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऑनलाइन आ जाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।